हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में ओपेसिटी इफेक्ट सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए। यहां से आपको जो भी बैकग्राउंड इमेज चाहिए बैकग्राउंड इमेज सिलेक्ट कीजिए और ओपन कीजिए। यहां पे आपकी बैकग्राउंड इमेज आ गई। अभी हमें फ्रंट इमेज लेनी रहेगी। अगेन फाइल पे क्लिक कीजिए, ओपन पे क्लिक कीजिए और यहां से फ्रंट इमेज सिलेक्ट करके ओपन करिए। अभी हमने जो बैकग्राउंड इमेज ली है वो ओरिजिनल है, हमें उसकी डुप्लीकेट कॉपी लेनी रहेगी। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए कॉपी, कंट्रोल सी, कंट्रोल एम एंड कंट्रोल वी। ये डुप्लीकेट कॉपी हो गई, ओरिजिनल इमेज क्लोज कर दीजिए। अभी हम हमारी इमेज जो फ्रंट इमेज है उसको रैंडमली सिलेक्ट करेंगे मैग्नेटिक लाइजो टूल के यूज से। टूल बॉक्स में मैग्नेटिक लाइजो टूल दिया है, इमेज सिलेक्ट करिए। जैसे हमने इमेज को रैंडमली सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट हो गई है। कंट्रोल सी करके कॉपी करिए और हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है उस पर क्लिक करके कंट्रोल वी दीजिए। आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज की कॉपी आ गई है। कंट्रोल टी करके हम उसको चेंज कर सकते हैं यहां से साइज से। और यहां पे आपको लेयर टूल में ओपेसिटी ऑप्शन दिया है। ओपेसिटी ऑप्शन लाइट डार्क करके आप मूव कर सकते हो। आप देख सकते हो जिस तरह से आप लाइट कर रहे हो, इमेज लाइट हो रही है, डार्क हो रही है, वैसे ही हमें इसकी और डुप्लीकेट कॉपी पे भी ओपेसिटी देनी है। अगेन कंट्रोल वी करेंगे, सेकेंड इमेज पे हम यहाँ पे ओपेसिटी देना चाहेंगे। तो एक ही बैकग्राउंड में हमने दो इमेजेस पे ओपेसिटी दी है। अगेन ओपेसिटी पे क्लिक कीजिए और लाइक कीजिए। ये है ओपेसिटी इफेक्ट। थैंक यू।